वो भी अलर्ट भी रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, वो गिर भी जाए तो
enter the thickness. They enter the thickness and machine start up. Okay. तो ये जो उस पेट के अंदर जब एंटर होते हैं वो क्या होता है, उसके पेट के अंदर जो भी डायरेक्ट के साथ क्या जितने भी लीव्स जो होते हैं वो ये के साथ इकट्ठा हो गए, इतनी गहरा में होता है कि वो उसके अंदर हम देख लेंगे। वैसे ही फिर से अगर मशीन के साथ कंपेयर किया जाए, मशीन स्टार्ट मशीन किसके लिए बोला गया है, बर्ड्स के बच्चे, जितने भी बर्ड्स के जो बच्चे हैं उसके लिए ये मशीन वर्ड यूज किया है। ओके, तो फिर से ये जो मशीन जो होता है वो स्टार्टअप करना शुरू कर देता है, उस मशीन शुरू कर देता है यानी क्लिक करना स्टार्ट कर देता है ये बर्ड्स के बच्चे। अब चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेमिंग्स, चिटरिंग का मीनिंग है सिंगिंग साउंड ऑफ बर्ड एब्रप्ट यानी सडन चेंज, चिटरिंग ट्रेमर एंड ट्रेमिंग्स, दिस थ्री वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। चिटरिंग का मीनिंग है सिंगिंग साउंड ऑफ बर्ड, ट्रेमर यानी वाइब्रेशन, feelings का मतलब है singing repeating। ओके, तो ये जो बर्ड्स है वो चिटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी जो विंग्स जो होती है वो भी वाइब्रेट करने शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी मदर आती है किसी बर्ड्स की मदर, तो तुरंत ही वो चिटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी जो विंग्स जो होती है वो तुरंत ही वाइब्रेट करने शुरू कर देते हैं। एंड द लास्ट फीलिंग्स सिंगिंग रिपीटिंग, तो फिर से वो जो गाना गा रहे तो फिर से रिपीटिंग वो गाना गाना शुरू कर देंगे। तो वर्ड ट्रेमर्स एंड ट्रेमर्स, पूरी ट्री जो होती है वो क्या होती है, ट्रेमर्स एंड वाइब्रेट होती है क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो अपने रिंग्स के कारण क्या है उसकी रिंग्स मिलाते वाइब्रेट करते हैं, तो उसी आवाज के कारण पूरी जो ट्री के लीव्स जो है वो भी इसके कारण पूरी जो ट्री है वो क्या होने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है, ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब है वाइब्रेट एंड ट्रीज, ट्रीज का मतलब यहाँ पे है वो खुश हो जाते हैं, जो रोमांस होते हैं जैसे इसके अंदर हैप्पीनेस आ जाता है, इसके अंदर ट्री के अंदर क्वांटिटी लेवल जैसे ही बहुत सारे वर्ड्स वाइब्रेट करने लगते हैं चिटरिंग करने लगते हैं तो उसके कारण ये जो ट्री है वो भी वाइब्रेट करने लगती है और उसका वो भी हैप्पी जो लाइफ है वो बढ़ाई जाती है। इट इज द एंजिन ऑफ आवर फैमिली, यहाँ पे एंजिन किसके लिए बोला गया है, मशीन है वर्ष के बच्चे एंजिन कौन है, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए वर्ड्स जो यूज किया गया है वो किसी के साथ कंपेयर किया गया है, तो मशीन जो वर्ड्स के बच्चे और जो इंजिन जो हो वो उस वर्ड की मदद से। तो ये जो इंजिन जो है उसकी फैमिली का एक इंजिन बन गया है, जैसे ही उसकी मदर उस ट्रैक के ऊपर आती है उस पेड़ के ऊपर आती है तुरंत ही वो इंजिन स्टार्ट हो जाता है और जो इंजिन जो होता है वो इंजिन उसके अंदर ड्रॉप होता है और इंजिन शुरू कर देता है। जैसे कोई भी एक मशीन है उस मशीन के लिए इंजिन जरूरी होता है, इंजिन के लिए इंजिन के अंदर डालने के लिए कुछ और चलाने के लिए कुछ डालना पड़ता है, इसलिए ये जो मदर है वो इंजिन है और मदर जो है वो इंजिन के थ्रू उसके अंदर वो खाना लेके आती है, तो खाना लेके आती है तो वो एक इंजिन की तरह काम करती है। C
She stalked it full, then flowered out of the branch there. और स्टॉक इट फुल यानी इसके अंदर पूरा जो खाना है वो खाना भर दिया जाते हैं। जब वो शाम के टाइम में वापस आती है वो इतना सारा खाना लेके आती है उस बच्चों के लिए और वो जो खाना है वो फूल कर देती है। जब फ्लड आउट होकर ब्रांच में तुरंत ही वो जो पेड़ की जो ब्रांच है उसे पार्ट ऑफ ट्री से वापस आ जाते हैं। देन तुरंत ही बच्चे पेड़ के बर्च के जितने बच्चे वो एंड ऑफ द ब्रांच तक आते हैं तो क्या करते हैं सुबह मॉर्निंग बच्चे को ट्री से मूव करने के लिए अपने स्काई की तरफ उड़ने के लिए वो बाहर की तरफ पहुँच जाते हैं। Showing her bird face identity mask और वो शो क्या शो करते हैं उसकी आइडेंटिटी दिखाते हैं उसका जो फेस है उस फेस बार की तरफ दिखाते हैं अपने नेस्ट के अंदर से ओके और उसकी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। और ये जो डार्क फेस है उस डार्क फेस की जो आइडेंटिटी है वो डार्क फेस की आइडेंटिटी शो हो फेस को दिखाते हैं। तो लास्ट कंटेंट देन विद एरी डेडिकेट हिमसेल्फ चीयर अप हिज फ्रेंड्स। एरी का मीनिंग जाते हैं मिस्ट्रियस और स्ट्रेंथ मिस्ट्रियस एंड रहस्य मेंबर कैट सेंसर डेडिकेट का मतलब है सेंसिटिव सीरियस बात क्या है। देन विद एरी डेडिकेट हिमसेल्फ चीयर अप हिज फ्रेंड्स ओके और ये जो इतना स्ट्रेंथ बात है कि उसकी जो स्वीटनेस है स्वीटनेस की वो बात करते कि वो इतना सीरियस हो जाते हैं कि ये जो बर्ड्स जो चिरप करते हैं वो क्या होते हैं वो चिरप करते हैं वो चले जाते हैं। इस पर ही कम जाते हैं मेकिंग लो साउंड इन यानी धीरे आवाज में किसी के कान में कोई भी बात बताना उसके मीनिंग है विस्परिंग का मीनिंग है कि मेकिंग द लो वॉइस कंटिन्यूस टू डिस्टिंग साउंड यानी धीरे आवाज में किसी के कानों में कोई भी बात सीरियस बात को बताना। सी लॉन्च अवे लॉन्च अवे मीन्स fly away in the sky launch away who launch away the birds are fly away in the sky here is a scientific word used launch away it means to fly away towards the infinite इन्फिनाइट का मतलब होता है एंडलेस एंटर एंडलेस और एटर्न जो एंडलेस होती है ऐसी लाइट जो भी स्काई है वो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है कि उसका कभी भी एंड नहीं ठीक। तो वो सुपर नेचुरल एलिमेंट की वो बात करें कि इन्फिनाइट की वो बात करें एंडलेस की वो बात कर रहे हैं पोएट या फिर कि ये जो साइंटिफिक वर्ड यूज किया गया है सुपर नेचुरल एलिमेंट जो लॉन्च अवे और इनफिनाइट वर्ड ठीक उसी के बारे में बताया गया है कि ये जो इनफिनाइट जो वर्ड जो यूज किया गया है पोएट ने कि वो स्काई की तरफ इनफिनाइट लाइट की तरफ वो चला जाते हैं फ्लाई अवे एंड towards the infinite towards the supernatural element and place fly eternal element to the sky infinite मतलब to the sky the last line of the poem and the Lebanon subside directly okay subside का मतलब
died down. Okay, it's in fall down, died down, and the level subside the empty. Okay, it's a is your level of PA died down, return of the same person. Okay, जैसे पहले पोजिशन वैसे नीचे हो अपनी जो रियल पोजिशन होती है उसकी रियल पोजिशन की तरह वो फिर से वापस आ जाते हैं और वापस हो गया उनके साइलेंट एंड क्वाइट. लास्ट लाइन इज एंड लेवल टू सबसाइड टू एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो साइलेंट एंड जो क्वाइट की वो बात साइलेंट एंड डेड वो फिर से मरा हुआ है जैसे सिंपल बताया है. ओके, इसलिए जो लेवल थ्री है फिर से सबसाइड का मतलब है कि रिटर्न टू द सेम पोजिशन साइलेंट एंड क्वाइट. यहाँ पे लास्ट में जो बोल किया गया है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब वही है साइलेंट एंड क्वाइट और इसका मतलब ये होता है कि वो मर भी है यानी डेड. ओके, so here the poem used the theme of power of God and sorry यहाँ पे जो poem है जो भी theme use की गई है वो theme के बारे में बताता हूँ आपको. the first theme is the power of love.